निकिता हत्याकांड में पुलिस को एक और कामयाबी, तीसरा आरोपी अजरू गिरफ्तार। अजरू ने तौसीफ को मुहैया कराया था देसी कट्टा, दर्जनों स्थान पर छापेमारी के बाद नूह जिले से गिरफ्तारी। निकिता हत्याकांड के आरोपियों का रिमांड खत्म, कोर्ट में पेश करेगी फरीदाबाद पुलिस। बल्लभगढ़ मर्डर केस में सियासत की एंट्री, हरियाणा के गृहमंत्री बोले कांग्रेस नेताओं का दबाव, 2018 से होगी जांच। एसआईटी ने पीड़ित परिवार से की मुलाकात, लव जिहाद के एंगल से हो रही है मामले की जांच। आरोपी तौसीफ के घर वालों ने लव जिहाद के आरोपों को किया खारिज, कहा बच्चों को नहीं दिए ऐसे संस्कार। निकिता के कॉलेज के बाहर छात्रों का प्रदर्शन, जमकर नारेबाजी। बल्लभगढ़ में निकिता की हत्या के विरोध में धरने पर बैठे एबीवीपी कार्यकर्ताओं का टेंट पुलिस ने हटाया, खुले आसमान के नीचे कटी पूरी रात। निकिता को अस्पताल पहुंचाने वाले दोस्त ने आज तक से बताई पूरी कहानी, कहा वो बनना चाहती थी आईपीएस, जाके आईपीएस ऑफिसर बनना चाहती थी, देश की सेवा करना चाहती थी, और हमारे फिर तीनों सेक्शन की टॉपर थी, हमारे कॉलेज की टॉपर थी, बहुत इंटेलिजेंट लड़की थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फिर जताया भरोसा, 2024 तक भारत के $5 खरब वाला अर्थव्यवस्था बनने की उम्मीद। एक समाचार पत्र को दिए इंटरव्यू में किया जिक्र, ग्लोबल सप्लाई चेन के मामले में चीन को लेकर प्रधानमंत्री बोले हमारी कोशिश किसी की जगह लेने की नहीं बल्कि खुद नए अवसर देने की है। कोरोना वैक्सीन पर बोले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जब भी वैक्सीन आएगी सभी को मिलेगी, कोई बाकी नहीं रहेगा। एक के बाद एक तीन रैलियों में प्रधानमंत्री मोदी ने महागठबंधन पर साधा निशाना, बिना नाम लिया तेजस्वी को बताया जंगल राज का युवराज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रैलियों में किया लालू राज का जिक्र, बोले उनका मंत्र था पैसा हजम परियोजना खत्म। आरजेडी ने बिहार की वर्तमान हालात को बताया चिंताजनक, कहा नीतीश बाबू दिशाविहीन, संकल्पविहीन, शक्तिविहीन हो गए हैं, अब रिटायर करें। तेजस्वी यादव ने कहा गिर रही है भाषा की मर्यादा, मुद्दे पर होनी चाहिए बात। नीतीश को जिम्मेदार बताने वाले तेजस्वी के बयान पर बौखलाई जेडीयू, किया पलटवार। चिराग पासवान ने भी सीएम नीतीश कुमार को बताया जिम्मेदार, कहा कल बदलाव के लिए हुआ मतदान। मुख्यमंत्री जी ने एक जनरल डायर की भूमिका वहां पर निभाई और जिस तरीके से प्रशासन के द्वारा वहां पर निर्दोषों के ऊपर गोली चलवाई। सात बागी विधायकों को बीएसपी ने किया निलंबित, दल बदल कानून के तहत सदस्यता समाप्त करने के लिए प्रस्ताव रखेगी पार्टी। मायावती का एसपी पर हल्ला बोल, सात विधायकों को तोड़ा गया ये हरकत भारी पड़ेगी। समाजवादी पार्टी ने किया ट्वीट, गोरखपुर रेलवे अस्पताल में शौचालय की दीवारों को एसपी के रंग में रंगने को बताया, लोकतंत्र को कलंकित करने वाली शर्मनाक घटना। कपिल मिश्रा ने मानहानि के मामले में सत्येन जैन से मांगी माफी, माफीनामे के बाद केस वापस। कपिल मिश्रा ने लगाया था आरोपी सत्येन जैन ने केजरीवाल के 2 करोड़ रुपए उनकी आंखों के सामने दिए। वायुसेना के जाबाज पायलट अभिनंदन को रिहा करने के पीछे की कहानी आई सामने, डर गया था पाकिस्तान, पाकिस्तान को था भारत के हमले का डर, खुद विदेश मंत्री ने दी थी पाक नेताओं को जानकारी। पाकिस्तान असेंबली के पूर्व स्पीकर सरदार अयाज सादिक ने असेंबली में कहा तब पाक के आर्मी चीफ के पैर कांप रहे थे, चेहरे पर था पसीना। साहब ने पैर कांप रहे थे, पसीने माथे पे थे, और हमसे शाह महमूद साहब ने कहा, फॉरेन मिनिस्टर साहब ने, कि खुदा का वास्ता है अब इसको वापस जाने दें। पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने भी कहा भारत के खौफ में और भारत को खुश करने के लिए छोड़ना पड़ा था अभिनंदन को। कश्मीर में आतंकी फंडिंग मामले में एनआईए की बड़ी कार्रवाई, श्रीनगर और दिल्ली में 9 जगहों पर छापामारी। एनजीओ के जरिए फंडिंग मामले में लगातार दूसरे दिन एक्शन, सूत्रों के हवाले से खबर, उन एनजीओ को पाकिस्तान और यूरोपीय देशों से आए पैसे। 26/11 के मास्टरमाइंड हाफिज सईद की एनजीओ फला इंसानियत के जरिए भी फंडिंग का खुलासा, कई लोगों ने उन पैसों से खरीदी प्रॉपर्टी, एनआईए करेगी पूछताछ। एनआईए सूत्रों के हवाले से दावा, देश विदेश से बिजनेस, धार्मिक कार्य और दूसरे सामाजिक कार्य के नाम पर फंड लेकर आतंकी गतिविधियों में किया जा रहा था इस्तेमाल। एनआईए की छापामारी में कई अहम कागजात और फोन बरामद, होगी फॉरेंसिक जांच। नए भूमि कानून को लेकर जम्मू कश्मीर में सुलगी सियासत, बीजेपी के खिलाफ पीडीपी का हल्ला बोल। इंदौर में कांग्रेस का हंगामा, पार्टी कार्यकर्ताओं पर हुई कार्रवाई के विरोध में पुलिस प्रशासन पर उठाए सवाल। कोलकाता में बीजेपी का विरोध प्रदर्शन, पार्टी कार्यकर्ताओं पर हमले को लेकर ममता सरकार के खिलाफ हल्ला बोल। दिल्ली में एमसीडी मुख्यालय के बाहर आम आदमी पार्टी का विरोध प्रदर्शन, सफाई कर्मचारियों के निजीकरण को लेकर नाराजगी। होशियारपुर में बलात्कार को लेकर सुलगी सियासत, चंडीगढ़ में पंजाब के सीएम के खिलाफ बीजेपी की महिलाओं का विरोध प्रदर्शन। मध्य प्रदेश के विदिशा में नीलामी बंद होने से किसान नाराज, हाईवे पर घंटों लगाए रखा जाम। कोरोना संक्रमित हुई केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी, ट्वीट करके दी जानकारी, संपर्क में आए लोगों को टेस्ट कराने की सलाह। घट रहा है कोरोना का कहर, पिछले 24 घंटे में देश में सामने आए 49,000 नए मामले, 80 लाख के पार पहुंचा कुल आंकड़ा। देश भर में पिछले 24 घंटे में 517 लोगों की गई जान, अब तक 73 लाख से ज्यादा लोग हो चुके हैं रिकवर। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में 6300 से ज्यादा नए मामले, 16,54,000 के पार पहुंचा कुल आंकड़ा।
दिल्ली में पिछले 24 घंटे में रिकॉर्ड कोरोना केस 5673 नए मामले, एक दिन में 40 की मौत। पानीपत में टायर बदल रहे दो युवकों ने कैंटर ने कुचला, दोनों की मौके पर मौत। उज्जैन में दर्दनाक सड़क हादसा, बाइक पर इंदौर जा रहे परिवार को डंपर ने मारी टक्कर, चार की मौत। पंजाब के फरीदकोट में जेल का असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट गिरफ्तार, विजिलेंस विभाग ने रिश्वत लेते रंगे हाथ दबोचा। हरियाणा के सिरसा में किसानों ने टोल प्लाजा पर लगाया जाम, कृषि कानून को लेकर नाराजगी। दिल्ली में फिर अपराध का बोलबाला, आदर्श नगर इलाके में गाना बजाने के विवाद में एक शख्स की हत्या। एक पक्ष ने तीन सगे भाइयों पर चाकू से किया था हमला, दो अन्य भाई भी जख्मी। डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने पीड़ित परिवार से की मुलाकात, हर मुमकिन मदद का भरोसा दिया, एक आरोपी गिरफ्तार। दिल्ली के मून गार्डन इलाके में भी मर्डर हत्यारे ने दौड़ा कर एक शख्स को मारी गोली। 22 अक्टूबर को हुई हत्या, गोली मारने के बाद आरोपी ने मोबाइल से ली तस्वीर, मृतक विकास मेहता प्रदीप सोलंकी गैंग का था शूटर। आदरस में एक खेत में ट्रैक्टर निकालने पर बवाल, दो पक्षों में मारपीट, वीडियो वायरल। उत्तरी कश्मीर के सोपोर में रायसी इलाके में भीषण आग, हादसे की वजह अभी तक साफ नहीं। दिल्ली के आनंद विहार इलाके में अलीपुर और वजीरपुर में 400 के पार एयर क्वालिटी इंडेक्स, प्रदूषण कंट्रोल कमेटी ने जताई चिंता। दिल्ली में प्रदूषण को काबू में करने के लिए बनेगा एक आयोग, केंद्र के आदेश को राष्ट्रपति की मंजूरी। आयोग में होंगे केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के प्रतिनिधि, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और इसरो मेंबर भी होंगे शामिल। रायबरेली में युवक ने लड़की को मारी गोली, शादी से मना करने पर सिलसिले आशिक ने वारदात को दिया अंजाम। असम के सोनितपुर में पुल तोड़कर ब्रह्मपुत्र नदी में गिरा तेल का टैंकर, एक की मौत। मुरादाबाद में स्कूल के अंदर चल रही अवैध तमंचा फैक्ट्री का खुलासा, चार गिरफ्तार, दो आरोपी फरार। मुंबई एक महिला ने किया ससुर का कत्ल, प्रेम संबंध को छिपाने के लिए वारदात को दिया अंजाम। राजस्थान के भिवाड़ी में दहेज के लिए एक महिला की पिटाई, वीडियो वायरल होने के बाद जागी पुलिस। फिरोजाबाद में दो गुटों में झड़प में चले पेट्रोल बम, एक की मौत, दो घायल। बूंदी में जादू टोने के नाम पर ढोंगी बाबा पर महिलाओं से दुष्कर्म का आरोप, चार महिलाएं बनी शिकार। मेरठ में दूध देने के बहाने 10 साल की बच्ची से छेड़छाड़, आरोपी गिरफ्तार। चंदौली में परिवहन विभाग के फर्जी कागज बनाने वाला गिरोह पकड़ा गया, चार आरोपी गिरफ्तार। चंडीगढ़ में दोपहिया चोर के गिरोह का भंडाफोड़, 38 बाइक की गई बरामद। मध्य प्रदेश के इंदौर में नवविवाहिता की हत्या से अड़का वारदात को अंजाम देने के बाद पति ने थाने में किया सरेंडर। जम्मू कश्मीर के पूंछ में आतंकियों के अड्डे का खुलासा, बड़ी तादाद में हथियार और कारतूस बरामद। लखनऊ में भीषण सड़क हादसा, दो ट्रकों की टक्कर में एक की मौत। मुजफ्फरनगर में हाईवे पर एक ढाबे में खाना खाने पहुंचे परिवार के साथ कर्मचारियों की मारपीट, सीसीटीवी में कैद पूरी वारदात। दिल्ली से सटे गुरुग्राम में चलती कार में आग, 35 साल के डॉक्टर की झुलसकर मौत। बड़गांव में आतंकियों के साथ सुरक्षा बलों का एनकाउंटर, आरीबाग इलाके में आतंकियों की घेराबंदी। गोंडा में शीटर के खिलाफ एक्शन, 8 करोड़ से ज्यादा संपत्तियों की कुर्की। लखीमपुर खीरी के अस्पताल में हंगामा, मरीज का सही इलाज न करने का आरोप लगाकर दबंगों ने डॉक्टर को पीटा। मध्य प्रदेश के धार में कुएं में गिर गया तेंदुआ, वन विभाग ने किया रेस्क्यू। महाराष्ट्र के अकोला में साइबर अपराधियों ने ठगे 11 लाख रुपए, दो पुलिस थानों में केस दर्ज।